अगर आप कोडिंग करते हो तो आपके पास AWS की जानकारी होनी चाहिए। AWS एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको आपके सॉफ्टवेयर के लिए हर प्रकार की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इसके कई सारे सर्विसेज हैं जिसमें से एटलीस्ट 5 सर्विसेज आपको 100% आनी ही चाहिए। सबसे पहला सर्विस EC2। EC2 का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि आप AWS के ऊपर वेबसाइट को होस्ट कर सको। अगला सर्विस है S3। अगर आपको ऑडियो वीडियो इमेज बड़ी मात्रा में होस्ट करना है तो उसके लिए हम S3 सर्विस का इस्तेमाल करते हैं AWS के अंदर। तीसरा है Route 53। सपोज कीजिए आपने डोमेन को GoDaddy.com से खरीदा और आपने होस्टिंग किया AWS पे, तो होस्टिंग से डोमेन को कनेक्ट करने के लिए हम Route 53 का इस्तेमाल करेंगे। चौथा है SES यानी कि सिंपल ईमेल सर्विस। जो वेबसाइट आप AWS के ऊपर होस्ट करोगे उस वेबसाइट की सहायता से अगर आप कोई ईमेल भेजना चाहते हो तो आपको AWS की SES सर्विस को लेनी होगी। पांचवा है लोड बैलेंसर। वेबसाइट पे जैसा ट्रैफिक होगा उस हिसाब से आपके सर्वर को मैनेज करने के लिए हम लोड बैलेंसर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कम ट्रैफिक होगा तो लोड बैलेंसर उसे हैंडल करेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो लोड बैलेंसर उसे हैंडल करेगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग आपके सर्वर को कॉन्फ़िगर करके वेबसाइट के ट्रैफिक्स को हैंडल करेगा ताकि आपका वेबसाइट कभी भी मैक्सिमम ट्रैफिक होने से क्रैश ना हो जाए। ऐसी और जानकारी के लिए वेब इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए।